Welcome to the drama company. नए इंसान को थोड़ा वार्निंग तो दिया करो. नहीं लेकिन मुझे यहाँ देखकर हैरान मत होइए. मैं आपका नया होस्ट नहीं हूँ. मैंने बस आपके होस्ट को नसबंदी का ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया है. और जब तक वो नसबंदी करके वापस आ जाते तब तक मैं यहाँ तीन पोस्टर बॉयज को बुलाना चाहता हूँ. पहला पोस्टर बॉय ऑफ द ड्रामा कंपनी शंभू दादा. एक बात बता, सारे शहर में पोस्टर लगे हुए हैं. हाँ. ये पोस्टर का चक्कर क्या है? ये एग्जैक्टली चक्कर क्या है हमारे जो दो पोस्टर बॉयज हैं. हाँ. वो आके आपको बताएंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सनी पाजी और बॉबी देओल का. अभी हम कैसे शुरू करें पता नहीं. एक हैंडसम तक तो ठीक था, अभी दो दो हैंडसम के बीच में मैं फंस गया. अच्छा होगा यही कि मैं अपने आप को बचाने के लिए अपनी जगह में बैठ जाऊं. कैसा है? सबसे पहला सवाल ये है कि मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम करके आपको कैसे लगा? उसका तो एक टैलेंट निकाल दिया गया है पोस्टर के हिसाब से. बट ऐसे कहते हैं कि ये फिल्म जैसे ऋषिकेश मुखर्जी सर की जैसे फिल्में होती थी, लाइट हार्टेड ड्रामा ह्यूमर, वो जॉनर की है. एंड यू ऑलवेज बीन नोन पाजी एज स्ट्रॉन्ग एक्शन हीरो. तो जब ये कहानी आपने सुनी थी कि ऐसे नसबंदी का पोस्टर छप जाता है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन टू दैट? आई थिंक मुझे पता चला कि ये कहानी इस टॉपिक के ऊपर, आई वाज सो एक्साइटेड कि आई जस्ट वांटेड टू डू द फिल्म. यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ स्कूल टीचर. आई एम प्लेइंग अ चॉकलेट बॉय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. इस रोल के लिए बॉबी आपने इंस्पिरेशन के लिए मतलब अपने अपने स्कूल के किसी टीचर से इंस्पायर होकर फिर परफॉर्म किया, या धर्मपाल जी ने जैसे चुपके चुपके में जो रोल किया था, बिकॉज इसमें शुद्ध हिंदी वाला भी थोड़ा सा बोलना है, तो व्हाट वाज इट? पूरी लाइफ मैं पापा से इंस्पायर हुआ हूँ. जो कुछ मैंने सोचा लाइफ में करना है वो माय डैड इज माय इंस्पिरेशन. एंड इट वाज एन एक्साइटिंग रोल. एंड आई मीन डेफिनेटली चुपके चुपके साथ काफ़ी मिलता जुलता कैरेक्टर है, लेकिन सेम नहीं है. करेक्ट, शुद्ध हिंदी है. और ये क्या कर रहे हो यार? सर मैं करण हूं, आई एम द रियल होस्ट ऑफ द शो. आप इधर आइए. ये क्या कर रहे हो? मेरे पास एक ही काम है यार. हाँ तो वो करके आ गए ना. अरे पर मेरा दादा, आपको पता है इन्होंने मेरा फेस पोस्टर पे लगा दिया कि मैंने नसबंदी कराई. यार ऐसा हम लोग के साथ हुआ तो पता चलना चाहिए ना तुम लोग को भी कि क्या होता है. एग्जैक्टली. करेक्ट करेक्ट. ये जो आपने नसबंदी वाली अभी बात की कि लोगों को पता चलना चाहिए, तो बताइए हमें तू करवा के आया, तेरे साथ क्या हुआ? नहीं करवाई ना, क्या करवाई? ये जो नसबंदी की बात हुई, आपने ये एक्सपीरियंस किया है सर? नहीं आपने भी नहीं किया सर? नहीं मैंने भी नहीं किया. और आपने सर? नहीं उस मेथड तक नहीं गए. उस मेथड तक नहीं गए. अच्छा एक और ये नसबंदी वाला सवाल मैं पूछना चाहूंगा दादा, आपने नहीं क्या पूछ रहा है दादा? कुछ नहीं दादा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, नो प्रॉब्लम. तो श्रेयस, आपने इतने कूल हीरो को एक शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने वाला अध्यापक बनाया जी, तो ऐसा कोई सिग्नेचर लाइन या डायलॉग है जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? प्लीज कम ऑन कम ऑन. मैं आप सबसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करूंगा. आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए. आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को छेदन के संदेशवाहक पत्र पर हमारा छायाचित्र
कैसे प्रक्षेपित किया? क्या बात है! और डायलॉग्स की बात करें तो who better than सनी सर? इसने नसबंदी नहीं कराई। मैं तुझे इतनी जोर से पटकूंगा कि तू टपाखा कर नीचे से छत पर जाकर छूट जाएगा। मैं अब भी नसबंदी करा के आऊंगा सर, आई प्रॉमिस। देखिए, दो ड्रामा कंपनी पे हम बड़ी अनोखी वैल्यू एडिशन करते हैं। अब मैं यहाँ कुछ प्रॉप्स लाऊंगा जो आप सबकी फिल्मों के कोई ना कोई गाने से रिलेटेड है। बस मैं प्रॉप पकड़ूंगा, आपको बताना है कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है। सिंपल। ओके ओके। बॉबी सर के लिए जो प्रॉप है ना, वो मैं 2 साल से लेके घूम रहा हूँ। जी, मैं इस दिन का वेट कर रहा था कि कब मैं बॉबी डेओल से मिलूंगा और ये करूंगा। सर, आर यू रेडी? सर, याद आ गया आपको? ये तो मैं हर फिल्म में करता था। सर, ये स्पेसिफिक वाला है क्या? है ये पता चलेगा सर। म्यूजिक। सनी सर का बहुत ही सिंपल है। सर, मैं आपका प्रॉप जेब में लेके आया हूं। कौन सा गाना याद आता है? सर, गाना मैं निगरा गड्डी लेके आऊंगा। पर ऐसे नहीं निकलने दूंगा मैं। 1 मिनट सर, आइए निकलते हैं गड्डी लेके। Music! में होगा, जिसका नाम है पोस्टर बॉय। तो हम चाहेंगे कि आप तीनों दादा के साथ बैठें और ये शो एंजॉय करें। सुपर, थैंक यू। आज का ड्रामा पोस्टर बॉय। फैन हूं, आप तो पोस्टर बॉय हैं। मैं पोस्टर गर्ल रही हूं अपने जमाने में। जवानी में, हाँ, सच्ची में हंसी है। मैं भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन रह चुकी हूं। हाँ, सनी जी की सारी फिल्में हमने रीमेक की हैं भोजपुरी में। दामिनी की रीमेक मैंने की थी, उसका टाइटल था सड़क पे मिलल खड्डा भाड़ में जाए चड्डा। ये आपकी घायल पिक्चर, घायल की भी रीमेक मैंने की थी। जला देंगे तोहरा कपड़ा लत्ता, सुन ले बलवंत राय का कुत्ता। खैर, मैं, मेरी बेटी आने वाली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं नहीं, बेटी मेरी, बेटी मम्मी जी, कितनी बार कहा है लोगों के सामने मम्मी जी मत कहना मुझे। फिगर के साथ तेरी छोटी बहन लगती हूँ। चुप रहो,
क्या कर रही है? वहाँ पर मत देख, वहाँ तेरी दाल नहीं गलनी। क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी तेरे में नहीं, कमी मेरे में है। अरे मेरी खुद की नजर धर्म जी पे है। हाँ। अगर मेरा टांका उनके साथ भिड़ गया तो यहाँ रिश्ता उलट हो जाएगा। सिर्फ इस बेशरम मम्मी की वजह से मेरी पांचवी शादी नहीं हो रही। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, रात भर दरवाजा खुला रखती हूँ, भागती नहीं है तो मैं क्या करूँ? मम्मी इस तरह की बातें हम बाद में करेंगे घर जाकर, अब शादी के लिए फोटोग्राफ कराने आए हैं तो फोटोग्राफर को ढूंढो, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फोटोग्राफर, वेयर आर यू, कहाँ है तू? ओहो रुक जाओ, मैं बचन रुक जाओ, बच्चन साहब की फोटो खींच रहा हूँ। I like her very much, यार कहाँ है? हाँ नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। सुनिए आप तो आ गए, बच्चन साहब कहाँ हैं? अरे वो संडे को 4 बजे बाहर आएंगे। लेकिन तूने कहा ना तो उनकी फोटो खींच रहा है अंदर। मैं, अरे वो 25 फीट की फोटो बनाई उनकी, मैं खींच रहा था तो आपने आवाज दे दी। बोलिए क्या चाहिए मेरे को? 2 हाफ फ्राइड एग सनी साइड अप विद सम कैप्सिकम एंड सम पेपरोनी। अभी अंडे की दुकान में आए क्या? फोटो खींचने आए तो फोटो ही मांगेंगे तेरे से, फोटो खिंचवाना है। ये बताओ ना फोटो खिंचवानी, लायो फोटो। दिमाग खराब है आपका, हम फोटो क्यों लाएंगे? अब खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं तो वहाँ खाना लेकर जाते हैं क्या? मैं तो लेके जाता हूँ। ये आदमी है, एलियन है, कौन है यार ये? अरे एक मिनट, तू होटल में जाता है तो खाना लेके जाता है? हाँ मैं पार्ट टाइम वहाँ पे, मेरी ड्यूटी होती है, मैं कुक हूँ, वहाँ पे खाना अपना लेके जाता हूँ, वहाँ खा के मरना मैंने। हम यहाँ पर तेरी बायोग्राफी लिखने के लिए नहीं आए हैं, कोई अच्छी सी फोटो खींच के लड़के वाले देखते ही हाँ कर दें। तो आप ये ले जाओ, पूरा मोहल्ला हाँ कर देगा। जिसकी शादी होगी उसकी फोटो भेजते हैं ना, इसकी फोटो क्यों भेजेंगे हम? अच्छा अच्छा, तो आपकी शादी है? हाँ। अरे क्या फायदा, इतनी उम्र होगी, 2-4 हफ्ते और निकल जाएंगे, क्या हो गया, क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसे? इसकी शादी नहीं है बे। हाँ। मैं अपनी शादी के लिए आई हूँ यहाँ पे। ओ, आपकी। हाय हाय। तो बताओ ना फिर। एक बात बताओ। मैं तुमको इससे ज्यादा हर्ट लगती हूँ कि नहीं? मैं सच्ची बताऊँ, मैंने सोचा ये मम्मी है आप बेटी हो। सच्ची में? हाँ। इतना बड़ा झूठ तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ मैं बुढ़िया जरूर हूँ, पागल नहीं हूँ। अरे अरे पागल ही हो, इतनी अधेड़ लड़की घर पे बैठी शादी खुद करवा रहे हो अपनी। अरे तो मैं क्या करूँ, इसको कोई लड़का पसंद नहीं आता, मेरे को आ गया है। इनको पसंद नहीं आता? हाँ नहीं आता। कोशिश करता हूँ। आपको कैसा लड़का चाहिए? मुझे ना वो सनी देओल जैसा लड़का चाहिए। अच्छा? देखो अरबी घोड़े जैसा मुंह और लड़का शेख जैसा चाहिए। चल मेरी फोटो खींच। आइए। चल जल्दी ले। आप इधर आइए। हाँ जी। नहीं ऐसे नहीं। हाँ लेट जाओ। लेट लेट जाओ ना, फोटोग्राफर है भाई, मानना पड़ा। हाँ ये ले। आप मेरी मम्मी से स्वर्गवासी टाइप पोज क्यों बनवा रहे हो? अरे आप समझते नहीं। हाँ। अभी फोटो खिंचवा लो, आगे सीजन आ जाएगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मर गई तो फोटो किससे खिंचवाओगे? पहले फोटो दिखा, तू ढंग से फोटो ली के नहीं तूने? फोटो बहुत अच्छी आई है, अगर रील होती तो मैं दिखा भी देता। रील क्यों, मैं क्या जब बैटरी डालूंगा तो रील भी डालूंगा, आप समझते क्यों नहीं है? इधर आती। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तूने अपनी ही लाश के साथ ऐसे सेल्फी खींची हो? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करती हूँ। ए तेरे को भाग गया। एक मिनट सुनो। तेरी तो ये क्या? अरे 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 भाग गया। अरे मैं अरे भाग गया। बदतमीज़ नालायक। मम्मी जी उधर देखो ना। अरे क्या बात है, एक काम करते हैं, इन्हीं को बुला लेते हैं फोटो खींचने के लिए यहाँ पे। बुलाओ ना। बॉबी सर, सनी सर, श्रियास आइए ना प्लीज। अरे आप ही फोटो खींच दीजिए। सनी बाबा पहचाना? फुलझड़ी मौसी। अभी याद नहीं है आपको, मैं बचपन की गेम याद दिलाती हूँ, ये देखो। याद है मैं ये गेम आपको खिलाया करती थी बचपन में, ये ऐसे
बाबा ये देखो ऐसे, ये गेम का नाम याद आया? अरे याद करो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। खैर मेहमान आए हैं, चाय पानी तो बनता है। सर चाय लेंगे? हाँ ले लेंगे। हाँ आपको चाय पिलवाते हैं। बढ़िया। मेरी मम्मी ना पागल है। काम ही आता है अभी। मैं तो सच कह रही हूं, इससे आपको इतना डर है कि अगर आप यहां से दूध डाल दे तो खीर भी निकल आएगी नीचे से। खैर यहां पर कैसे आना हुआ आप लोगों का बताइए ना। अरे तू तो अपने चक्कर में ही लगी हुई है, पिक्चर का प्रमोशन करने आए हैं, पिक्चर की बात करने दे। हेलो। हाँ क्या हुआ? क्या विवेक छोड़ के चला गया? अरे भगवान, अरे जिससे मैं शादी करना चाहती थी सर, वो छोड़ के चला गया। चला गया, अब क्या करूंगी, फिर कुंवारी मर जाऊंगी मैं। अब एक ही इलाज है बॉबी बाबा, देखो शादी तो अब हो नहीं सकती, कम से कम फोटो ही खिंचवा लूं मैं। ठीक है, है ना। हाँ। अब इतना हैंडसम बंदा है तो अब फोटो देख के इंजॉय कर लेंगे। आइए आइए। मम्मी मैं खींचू फोटो? हाँ आ जा। चलो तो पहले शादी का एल्बम बनवाएंगे पूरा। हाँ। ठीक है, पहले शादी का पोज लेंगे। तू बड़ी डायरेक्टर बनी है, श्रेयस हमारा फोटो लेंगे, वो डायरेक्टर है। अच्छा, आप आइए आप आइए। ये पूरा इसके साथ घूमना पड़ा। अच्छा रेडी। पाउट 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 बेटा, अब क्या पाउट, अब जिंदगी से आउट ही होना है बस। मम्मी, शादी के बाद हनीमून होता है ना? शादी के बाद हनीमून? हाँ जरूर, एक मिनट। और हनीमून हम शिमला में मनाएंगे। ठीक है बाबा, ये हनीमून की फोटो हो जाए बॉबी के साथ। हनीमून के बाद क्या होता है? हनीमून के बाद तू होती है बेटा। एक मिनट। अब हनीमून, हनीमून के एक ही नहीं, हमारे ट्विंस हुए हैं ये। ओके। मम्मी। हाँ। सब कुछ आप ही कर लोगे, मेरा भी कुछ करा दो। एक काम कर, तू ही पटा ले सनी जी को, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। सुनिए, इतनी हीरोइनों के साथ फ्लर्ट किया, यहाँ भी थोड़ा कर लीजिए मेहरबानी कर कर। हम ऐसा करते हैं, हम गाड़ी में ना किसी रोमांटिक सी प्लेस पे चलते हैं, ठीक है? आइए प्लीज, थोड़ा ना गाड़ी स्लो। गाड़ी ना थोड़ी स्लो ड्राइव कीजिएगा, मुझे डर पकड़िए। चली गई वो बुढ़िया, अब मेरे से भी गलती होगी। देखो मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब देखो, एक डांस का पोस्टर मैंने बनाया था, डांस का शो हो रहा है बहुत बड़ा, ऊपर मैंने गलती से सनी पाजी की फोटो लगा दी। अब ये, अरे ताली ना बजाओ, मैं मर रहा हूँ इधर, परेशान हूँ मैं। उधर से टिकटें बिक चुकी हैं, शो बुक हो चुके हैं, वो कहते सनी पाजी का डांस देखना नहीं तो फोटोग्राफर को मार देंगे, अब मैं क्या करूँ? Thank you.
मेरी माँ है, ये आसमान मेरे पापा है, माउंटेन्स मेरे मामा है, सूरज मेरा चाचू है। इतना टाइम हो गया, सनी पाजी आए क्यों नहीं अब तक? कर रहे हो? एक मिनट रुको, मुझे अपना ऊंट पार्क करने दो, एक मिनट। कितना प्यारा ऊंट है पाजी। एक मिनट, आंटी जी कैसी हैं? प्रणाम। बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। आप बताइए, आपके क्या हाल चाल है पाजी? ये क्या कर रहे हो आप? आप ही कहते रहते ना, धरती मेरी माँ, आंटी जी को प्रणाम कर रहा हूँ, कैसे हैं? एक बात बताओ, यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है? पाजी इतने साल हो गए यहाँ पे कोई जंग नहीं हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वैकेशन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ढंग से बोल ले। पाजी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि इतने साल से यहाँ पे कोई व्हाइट फाइटिंग नहीं चल रहा, जंग नहीं चल रहा पाजी। अच्छा, तुम लोग कहीं पे घूमने चलते हैं, कहीं पे हॉलीडे पे चलते हैं, ऐश करने चलते हैं। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि कहीं घूमने हमें जाना चाहिए। एक काम करते हैं, ऊटी चलते हैं, वहाँ पे शंभू दादा का बहुत बड़ा 5-star होटल है। कभी मत जाना पाजी। क्यों? ये आदमी अपना समझ के ज्यादा रेट लगा देता है वहाँ। एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं और चलते हैं, दुश्मन हमारी बातें सुन रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो यहाँ से। ज्यादा चलो मत पाजी, दुश्मनों ने जगह जगह डायनामाइट लगा रखे हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे हर जगह पता चल जाता है कि डायनामाइट कहां पर है। कैसे पाजे? अभी तुम चल के जाओ, अगर तुम उड़े तो डायनामाइट वहां पर है। क्या बोल रहे पाजी, मेरी तो अभी तक शादी अभी नहीं हुई है। मेरा मतलब है मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड की चिट्ठियां सूंघ सूंघ के दिन रात गुजार रहा हूं। कोई बात नहीं, मुझे भी घर से एक चिट्ठी आई थी। मेरे प्यारे सनी, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, और आपने जिसको कहा था ना कि उतार के फेंक दो ये वर्दी, वो आदमी कल घर पे वर्दी फेंक के चला गया है। अच्छा जानू, चिट्ठी काटती हूँ। ये क्या क्या हुआ? तुम्हारा ये खत पढ़ के मैं रोमांटिक हो गया हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड से अभी फोन करके चिट्ठी मंगवाता हूँ। हेलो जानो, जल्दी से आकर एक चिट्ठी दे दो। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम मुझको? दिन में 8-8 घंटे चैटिंग करता हूँ उससे, मैं 12-12 घंटे वीडियो चैट किया है, दिन के 6 खत लिखता हूँ, भूल कैसे सकता हूँ तुमको? मुझे सबसे पहले बताइए, आपको इनकी बातें समझ कैसे आती हैं? इसलिए तो खत लिखता हूँ भाई। ये सनी देओल है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सनी जी, मुझे प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए ना। वैसे ये काफी क्यूट हैं। ओए चलो यहाँ से, हम चलते हैं। सनी पाजी, कैसे सनी पाजी, आप मिलके मैं आपको क्या बताऊं, आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वहां तो मैं होता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कहां कहां नहीं ढूंढा, मुझे पता था आप यही मिलेंगे बॉर्डर पे।
पाजी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, देखो ये डांस के शो का मैं पोस्टर बना रहा था, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, गलती से आपकी फोटो लग गई, टिकटें बिक चुकी हैं, हॉल भर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि सन्नी पाजी का डांस देखना ही देखना है, नहीं तो वो मेरे को मार देंगे, आप तो सबको बचा लेते, बचा लो पाजी। अरे पागल हो गए हो? अरे मुझे बहुत काम है, मैं यहाँ बिजी हूँ। अरे मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाना, अरे मैं नहीं जा सकता, मैंने कह दिया मैं नहीं जा सकता, मुझे बॉर्डर पे बहुत काम है, समझे तुम? कह दिया ना नहीं जा सकता है। तो फिर इतने प्यार दिए। आप डरा दे पाजी, प्लीज मान जाओ ना। अरे ऐसे कैसे, मुझे नहीं जाना। देख लो फिर पाजी। अरे नहीं असली पाजी मुझे ऐसा नहीं कर सकते। अरे असली पाजी तो इधर बैठे हैं। पाजी देख लो, पाजी मुझे बचा लो। ऐसे नहीं आएंगे, कोई मेरी मदद करने यहाँ से जरूर कोई आएगा, कोई आओ मुझे बचाओ। यहाँ पे क्या करने आए हैं? शांति का संदेश देने आया हूँ, बैठ जाओ भी मजा आएगा। ये देखिए मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ये एक डांस का पोस्टर बनाया, गलती से सन्नी साहब की फोटो लगा दी है, अब टिकटें बिक चुकी हैं, मैं क्या करूँ, उनको मिला दो, वो सामने बैठे हैं, आपके कहने से आएंगे। ओ सनी पुत्र कैसे बच्चे, क्या बात है भाई, मेरे कहने पे जरूर आएंगे, है ना, मेरे को पूरा यकीन है। जी एकदम ठीक हां जी, क्या बात है, अभी बहुत सोना लग रहा है। हां हुन दस की प्रॉब्लम जाकर बता, थोड़ा मजा आ जाए। चलो ठीक है फिर। Thank you.
इतना बेसरा यार, हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है। हाँ, तू पिछली बार भी हिंदी की क्लास में फेल हो गई थी। अरे नहीं यार, वो तो मैं जान पूछ के हुई थी ताकि सर मुझ पे थोड़ा पर्सनल अटेंशन दे यार। ओह, तो हिंदी क्लास सर पे मरती है? क्या करूँ, मरना पड़ता है। इतने हैंडसम है, एकदम सनी देओल के छोटे भाई की तरह। लग रहे हैं एकदम पोस्टर बॉय की तरह। पढ़ाई करें? जी जी जी। अच्छा, आप मुझे हिंदी में ये कह के बताइए कि मैं साइकिल में जा रही थी, टायर पंक्चर हो गया, मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाई। अब मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। आप श्रीमान, मेरी दुई चक्र वहिनी के द्वितीय चक्र की हवा फुर हो गई, तो फिर आप अपने हवा ठूसन यंत्र से उसमें हवा ठूस कर, अब लगता है और हिंदी क्लासेस की जरूरत है मुझे। अच्छा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर, आप इतना सब कैसे याद रख लेते हैं? मुझे तो इतने दिनों में आपका बस फोन नंबर याद हो पाया है। वैसे सर, आपको पता है हमने अभी अभी कल का चैप्टर पढ़ा है, प्रयास अलंकार। मैं बताऊं, प्रयास अलंकार वो होता है जब कोई लड़की एक लड़के को पटाने के लिए प्रयास करे। अच्छा? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर दोनों लड़कियां साथ में प्रयास करेगी ना। सनी सर ने मुझे फंसा दिया। अच्छा? वो कोई पोस्टर वाला फोटोग्राफर था ना, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो आके डांस करेंगे उसके लिए, और सब मुझे सनी समझ रहे और मुझे बुला रहे वहां पे। तो फिक्र मत कर, तू बोल दे इस बार मैं हार गया। हाँ, अगली बार जीत के दिखाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे आपकी इज्जत का सवाल है, मुझे लोग सनी समझेंगे। तो मुझे पता है आप डांस कर करके थक चुके हैं। हाँ। लेकिन एक स्टेप तो मुझे सिखाना पड़ेगा। चलो फिर भैया की स्टेप ही करते हैं। हाँ, मुझे सिखा दीजिए, मैं वहां पर जाके कर दूंगा। रेडी? हाँ। नहीं, स्टेप क्या है? यही तो है। हाँ। मैं यहाँ पर जाकर करूंगा और देखना, कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। बॉबी सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अब शुरू होने जा रहा है द मोस्ट अवेटेड डांस शो, इंडियाज बेस्ट सुपर डांसर। Come on, come on.
डांस क्या डांस क्या डांस. एक्चुअली मेरा जो डांस है, मैं कोई भी चीज करता हूँ लोग उसका स्टेप बना देते हैं. एक दिन मेरे को एसिडिटी प्रॉब्लम हुआ. एक आदमी मेरे पास आया, पूछा बांड्रा किधर है. मैं बोला उधर है, ये ऐसा स्टेप बना डाला. यह तो कुछ नहीं, एक दिन मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था, ऐसा छिपकली गिरा. मैं बोला ये क्या. यह उसको स्टेप बना डाला इन लोगों ने. खैर मैं अकेला जज हूं कि और भी कोई जज है यहाँ पे. खतरे से खाली बारिश में नंगी तार को हाथ लगाना नहीं है खतरे से खाली. वो आ गया सिद्धू, ठोका ताली भाई, ठोका ताली. सेम ऐसे ही बैठे हैं. बहुत मारूंगा तेरे को. ये ऐसा डायलॉग बोला मैं रिपीट भी नहीं कर सकता. द लेजेंडरी दादा के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ठोको ठोको. छा गया तू भाई, हाउ डू यू डू. नेवर माइंड, आ जा. ये गलत किया आपने. हाउ आर यू. देखो मेरे से मजाक नहीं करना, मुझे बॉक्सिंग भी आती है. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. इस शो में तो ऋतिक को लेने वाले थे, आपको क्यों ले लिया? हाँ ये शो पहले ऋतिक को ही मिला था, लेकिन उसके हाथ से निकल गया और मैंने मुंह से पकड़ लिया. ठोको भाई, ठोको ठोको. खैर यहाँ सब हम लोग बात करते रहेंगे, इस शो का कोई होश वोश नहीं है क्या? आप सभी का स्वागत है हमारे इस रियलिटी शो इंडिया बेस्ट सुपर डांसर में. इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, मैं बस बताना चाहता हूं हमारे मिथुन दा को, आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है. क्या? बाहर पार्किंग में जो ट्रक लगा हुआ है उसके साथ आपका साइकिल है. ट्रक निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, जाइए प्लीज प्लीज. साइकिल तुम सब लोग को देख लूंगा. ठीक है, इधर से पीछे से जाइए. मैं देख लूंगा. तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की आप सभी के साथ, और मैं चाहता हूं कि सारे गेस्ट को प्लीज आप यहां पर आ जाइए, आप कंटेस्टेंट्स के साथ बैठिए. इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे ले जाए, एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जानकारी. जो पीछे बैठे हुए शख्स है, ये सैराट पिक्चर में थे. खड़े हो जाइए. सैराट पिक्चर वर्ल्ड वाइड सुपरहिट रही, लेकिन इस बेचारे को किसी ने बोला ही नहीं. सच में थे वर्ल्ड वाइड? तुला माहिती नहीं है? बेचारे ने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली. जोरदार तालियां हो जाएंगे जिगरे के लिए. ये आपके सामने वो कार्यक्रम होने जा रहा है जिस घड़ी का पूरी दुनिया को इंतजार था. हमारे इस रियलिटी शो पर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें इंडिया बेस्ट डांसर सनी देओल जी का. क्या बात है? क्या
आज घर जाने के बाद तू मार जरूर खाएगा। तूने पवाई का डांस किया और थोड़ा सा करके छोड़ दिया, पूरा क्यों नहीं किया? मैं ऑफ रिदम नहीं हो पाया। मुझे यहाँ आकर एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मेरी यहाँ ये कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये, रहा, ये, 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 ये देखिए, और कुछ नहीं, कम से कम मेरी फोटो तो छप गई। ये बताओ कि आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वाकई में, सबके सब बहुत अच्छे लगे, आप लोग भी अच्छे लगे। थैंक यू। लेकिन ये सब बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा आया। अरे असली नकली सब अच्छे लगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग अस हियर। और ये जितना प्यार यहाँ पे मिल रहा है, बस ये प्यार ट्रांसलेट हो जाए बॉक्स ऑफिस पे भी। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आप हमें इतने ही चाहते हैं, इतने ही प्यार करते हैं, तो मैं चाहता हूँ और फिल्में करूँ, तो आप जाके मेरी फिल्म सिनेमा हॉल में देखिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.